मम्मी तुम समझाओ ना पूरी सिचुएशन क्या है। इसका पति इसे लेने यहां नहीं आ सकता क्योंकि जैसे वो बिल से बाहर आएगा तेजस उसे मार डालेगा, और ये लड़की तेजस के पास जाने के लिए तैयार है। ये क्या कंफ्यूजन है, इसमें कोई लॉजिक है? अनिल, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम किसी को भी उठा के ले आओगे सड़क से और फिर उसकी तकलीफों को बोझ हमें उठाना पड़ेगा। कल को इस नौकरानी ने कोई गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, अर्शी तुम बताओ मैंने कुछ गलत किया? कुछ नहीं बोलती, कर ले। अर्शी कम ऑन आंसर मी। अरे अगर मैं चुप रहता, जाने को जाने देता, जाने के साथ जो हो रहा था वो होने देता, तो तुम मेरी रेस्पेक्ट करती, तुम मुझे इतना ही प्यार करती, मुझसे गिरने आते तुम्हें? आंसर मी। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें छनक, ये सारा ड्रामा खड़ा करके। आज एक बार फिर सारा अटेंशन सिर्फ तुम पर है, ये सारा डिस्कशन सारा झगड़ा तुम्हारे पीछे हो रहा है। गेट लॉस्ट छनक, जस्ट गेट लॉस्ट। और रही बात तुम्हारे जवाब की हुई, तो एक बात बताओ, झनक को तो तुमने तेजस से बचा लिया, पर क्या खुद को बचा पाओगे, अपनी पूरी फैमिली को बचा पाओगे तेजस के गुस्से से? बिकॉज आई एम श्योर जो आज हुआ उसके बाद तेजस चुप तो नहीं बैठने वाला। उसके गुस्से के लिए रेडी हो तुम? रेडी हो उससे लड़ने के लिए? हाँ, इतने बड़े आदमी से तुमने दुश्मनी मोल लिए, एक बार भी नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में? अर्शी मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं, और हां मैं मानता हूं तेजस पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो हां मैं लड़ूंगा। तुम्हें, अपनी फैमिली को, जनक को, सबको प्रोटेक्ट करूंगा मैं। मैं डरता नहीं हूं उससे, ओके? एनीवे, मुझे पता था कि आप लोग को ये सिचुएशन समझ में नहीं आएगी, इसलिए छोटन ने ये बुक्स डिलीवर करने की बात आप लोग बताई। एंड मैं और छोटन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। आई होप आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और तुम भी अपने आगे के प्लान्स बता दो छनक, ताकि हम सब प्रिपेयर्ड रहे। वो क्या है ना, रोज रोज के शॉक्स हैंडल करना हम सब के लिए मुश्किल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो रहा है हर्षी दीदी, यहां रहना घुटन होती है मुझे इस माहौल में रहने से। ये बात आपको समझनी चाहिए कि सर जी मुझे यहां लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से मैं वापस नहीं जा पा रही हूं। आपकी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, और छनक ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरों के मंगेतर पे डोरे डाले। आपकी इनसिक्योरिटीज आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आपको जो पूछना है सर जी से पूछिए ना, लेकिन आइंदा से मेरा और सर जी का नाम एक साथ मत जोड़िए, क्योंकि मुझे सर जी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फास्ट निकल गई। अब तो मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट।